नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस के पैरा मेडिकल क्लासेज में। जैसा कि दोस्तों आपको पता चल गया होगा, बड़ा ही अच्छा जो अपना रिजल्ट है वो निकल के आया कि जो हमने माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी का जो पेपर डाला था उसके अंदर से दोस्तों मैं आपको बता दूं, माइक्रो के अंदर दोस्तों 90 नंबर आए थे अपने आउट ऑफ 100। 100 का पेपर था, उसमें से 90 नंबर्स आपके माइक्रोबायोलॉजी के पेपर में आपको आपके पेपर में देखने को मिले होंगे। और आज जो आपका पेपर था पैथोलॉजी का, उसमें दोस्तों 100 नंबर का पेपर पूरा का पूरा उन्हीं 15 क्वेश्चंस में से आया था जो क्वेश्चंस मैंने अपनी वीडियो के अंतर्गत आपको डाले थे। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो कि DMLT सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का लास्ट एंड फाइनल एग्जाम है, जिसके अंतर्गत भी आज अपन कुछ 14-15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उन्हीं के अंदर से आशा करेंगे कि उन्हीं के अंदर से आपके लिए वो पेपर आएगा। तो दोस्तों आपसे मैं जिस प्रकार से लास्ट में कहा, फिर आज भी कहना चाहूंगा, जो लास्ट वीडियोस में उनमें भी मैंने आपको बताया था कि दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में अच्छे से समझ में आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करना ताकि आपके और भी साथी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और इससे कुछ उनको फायदा मिल सके। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आप देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार इसको एग्जाम के अंदर पूछा गया है और हो सकता है कि आपके इस एग्जाम के अंदर पहला क्वेश्चन यही मिल सके। तो देखिएगा, गौर से पढ़िएगा, इसके अंदर जो एरो लगा करके जो बात बताई गई है इसको मैं आपको समझाऊंगा क्या हो सकता है। देखिएगा, डिस्क्राइब वेरियस ऑटोमेशन एनालाइजर यूज इन बायोकेमिस्ट्री। आपसे पूछ रहा है कि वेरियस ऑटोमेटिक एनालाइजर जो होते हैं उनका जो यूज होता है बायोकेमिस्ट्री में उसको डिस्क्राइब करना है। समझ में आया, बायोकेमिस्ट्री की जो लेबोरेटरीज होती हैं उनके अंदर ऑटोमेटिक जो एनालाइजर्स होते हैं, जो वेरियस प्रकार के यानी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनको यहां आपसे डिस्क्राइब करने की बोल रहा है। और कह रहा है देखिएगा, सजेस्ट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द ऑटोमेशन ऑफ लेबोरेटरी। ठीक है, इससे आपसे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी पूछ रहा है, किसकी? ऑटोमेशन की। ठीक है दोस्तों, अब यही क्वेश्चन एक बार इस प्रकार से भी पूछा गया था कि डिस्कस वेरीफाइली अबाउट द ऑटोमेशन बायोकेमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, इसको यही क्वेश्चन है, एक तो ये वन लाइन में आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया और यही क्वेश्चन आपसे डिफरेंटली घुमा करके पूछ लिया। तो दोस्तों मेरा आपसे एक चीज ध्यान रखना कि क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ें, क्वेश्चन क्या कहने वाला है और वो क्या आपसे पूछ रहा है उस पर जाएं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा गया और ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा गया है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और नेक्स्ट देखते हैं अपन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि बायोकेमिस्ट्री का जो पेपर है वो लार्ज पेपर आता है दोस्तों इस पेपर के अंदर आपके लिए कंटेंट बहुत सारा मिलेगा, क्योंकि ये अपने आप में भी बहुत ही ज्यादा कंटेंट रखती है। और मैंने कोशिश किया है कि सेलेक्टेड कुछ 14 क्वेश्चंस में मैं आपको सेलेक्टेड टॉपिक्स को कराने की कोशिश की है, ताकि आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी आए हुए हैं, कई बार इनको बहुत ही अच्छी तरीके से पूछा गया है। देखिएगा, एक बार इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से पूछा गया था। देखें, डिस्कस रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज की बात कर रहा है, डिस्कस करना है रेगुलेशन ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है दोस्तों, एंड डिफाइन द डायबिटीज मेलाइटस। इसी के अंदर क्वेश्चन पूछा कि डिफाइन भी कीजिए डायबिटीज मेलाइटस को, और आपसे पूछा है रेगुलेशन ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल होता क्या है, इसको डिस्कस करना है इसमें, और आपको बताना है, डिफाइन करना है डायबिटीज मेलाइटस को, एंड सजेस्ट वेरियस इन्वेस्टिगेशन डन फॉर इट्स डायग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग। यानी कि आपसे पूछा इसके अंदर कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो होता है उसको आप डिफाइन वो करें, डिस्कस करें, और इसके अंदर पूछ लिया आपसे इसी के अंदर डायबिटीज मेलाइटस होता क्या है इसको आप हमें बताएं, और डायबिटीज मेलाइटस के लिए कौन कौन से टेस्ट अपन परफॉर्म करते हैं, इसका डायग्नोसिस किस प्रकार से करते हैं, वो सारी चीजें आपसे इसके अंदर पूछा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको परफॉर्म करके जाएं, अच्छे से इसको समझ करके जाएं, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थ्री फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 इसको कई प्रकार घुमा करके इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिएगा आप अच्छे से समझे, 10 नंबर में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
दस दस नंबर में इन्हीं क्वेश्चंस को घुमा करके भी पूछा जा सकता है। पहला देखिए इसके अंदर, डिस्कस इन डिटेल इन्वेस्टिगेशन डन फॉर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ जॉइंडिस। जॉइंडिस नाम याद रखें, डायग्नोसिस ऑफ जॉइंडिस आपसे पूछे तो आपको इसके अंदर इसके डायग्नोसिस के बारे में लिखना है। और यही क्वेश्चन दोस्तों एक बार पूछा गया था कि डिस्कस अबाउट द बायोकेमिकल टेस्ट फॉर डन फॉर डिफरेंट डायग्नोसिस ऑफ जॉइंडिस, यानी जॉइंडिस के लिए अपन बायोकेमिकल में कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उससे भी इसको क्वेश्चन को आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड देखिएगा, यूरिया साइकिल एंड इट्स डायग्नोस डिसऑर्डर्स, ठीक है, यूरिया साइकिल के बारे में पूछ लेगा और इसके डिसऑर्डर्स के बारे में पूछेगा। नेक्स्ट देखिएगा, बायोकेमिकल टेस्ट डन इन द सीएसएफ एनालिसिस विद देयर सिग्निफिकेंस। अगर दोस्तों आपने फर्स्ट ईयर को अच्छे से पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर के अंदर क्लिनिकल पैथोलॉजी में आपको सीएसएफ पर अपन भी वीडियो बना चुके हैं, और अगर आप कहीं और से अगर इसके नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप इनको अच्छे से पढ़ करके जाएं, एक अच्छा टॉपिक है, पूछा जा सकता है। सिंथेसिस एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ द कीटोन बॉडीज, इसके अंदर दोस्तों इसको भी एक बार पूछा गया था मेटाबॉलिज्म के रूप में, मेटाबॉलिज्म ऑफ कीटोन बॉडीज और सिंथेसिस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, एक ही क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आए, बस आपको उसकी भावना समझ में आनी चाहिए, आपको उसका सेंस समझ में आना चाहिए, जिससे आप उसको आंसर देने में आसानी हो सके। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। चलिए देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको राइट शॉर्ट नोट के रूप में मिल सकता है। इनको दोस्तों 5-5 नंबर में आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिएगा अगर इनमें से कोई 5 नंबर का आ जाए या 10 नंबर का आ जाए तो आप 5 नंबर के को 10 नंबर में कन्वर्ट करना सीखें, ताकि आपको हर चीज के बारे में पता हो। थोड़ा सा इन्हें आप डिटेल में अगर पढ़ेंगे, अगर 2 लाइन एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं तो आपके लिए भी कोई नुकसान नहीं होगा। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, गाउट। गाउट क्या होता है पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन ऑफ द सीरम प्रोटीन, सीरम प्रोटीन के अंदर इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन कैसे करते हैं सीरम का, ठीक है। एंजाइम्स एस्टिमेशन इन द मायोकार्डियक इन्फेक्शन, मायोकार्डियक इन्फेक्शन के अंदर एंजाइम का जो अपन एस्टिमेशन करते हैं, एस्टिमेशन वर्ड का मतलब समझ लें दोस्तों आप, उसका डायग्नोसिस ही होता है एस्टिमेशन का भी मतलब, ठीक है। डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद द टायरोसिन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन लेबोरेटरी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अगर आप लेबोरेटरी चलाते हैं तो वो क्या है, लेबोरेटरी का मैनेजमेंट है, उसके अंदर आप एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन लेबोरेटरी मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन, कुछ इस प्रकार से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सप्लेन कराएगा। इसमें देखिएगा ये 10-10 नंबर या 5-5 नंबर में आपसे पूछ भी सकता है। देखिएगा क्या है, क्लिनिकल इंपोर्टेंस ऑफ सीपीके एंड एलडीएच, ठीक है दोस्तों, सीपीके एंड एलडीएच के बारे में पूछ सकता है आपसे। एंड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन क्या होता है, प्राइमरी गाउट, आपने गाउट लास्ट क्वेश्चन में देखा और इसमें पूछ लिया प्राइमरी गाउट, तो जब आप गाउट को पढ़ें ना तो गाउट में प्राइमरी गाउट क्या होता है उसको भी उसी जगह पर पढ़ लें, ठीक है। ये मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स ऑफ द फेनाइलिनियन, ठीक है। सेकंड है अपना इसके अंदर बायोसिंथेसिस ऑफ हीमिए, एंड लास्ट है इसके अंदर मेटाबॉलिज्म ऑफ एचडीएल, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों को एक साथ देखें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, डिस्क्राइब हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट, ठीक है दोस्तों, ये आप इस वर्ड को अगर पढ़ा होगा आपने तो अच्छे से जानते होंगे, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट एंड एड अ नोट ऑन इट्स सिग्निफिकेंस। पहले तो आपको बताना है कि हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट होता क्या है, उसके बाद में इसके सिग्निफिकेंस बताने हैं कि इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर का क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। देखिएगा अगला, डिफरेंशिएट बिटवीन, मैंने आपको इसमें 7 डिफरेंशिएट बताए हैं, जिनमें से आपको जो जो आते हो उनको छोड़ देना, आपको आते ही हैं, जो नहीं आते हैं आप उन पे ज्यादा फोकस करना। देखिएगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आरआईए एंड एलिसा पर आपसे डिफरेंशिएट कर सकता है, आरएनए एंड डीएनए को इसमें डिफरेंशिएट करा सकता है, फ्री एंड टोटल एसिडिटी
इंगेस्ट्रिक जूस, ठीक है, इंगेस्ट्रिक जूस, इसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है, इसमें ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक एनालिसिस, एनालाइजर के बारे में पूछेगा। एंड ग्लाइकोसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, इन दो के बारे में आपसे इससे डिफ्रेंशिएट करा सकता है। एंड एक ये लास्ट इसके अंदर एक ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस किसे कहते हैं, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके अंदर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। चलिए देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन। इसमें आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें आप अगर किसी लेबोरेटरी में अगर आपने काम किया होगा या फिर आपने प्रैक्टिकल्स किए होंगे अच्छे से, आपको जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उसमें अगर आपको अच्छे से काम सिखाया गया होगा तो आप इसको पढ़ने की आपको जरूरत है ही नहीं। क्रिएटिनिन क्लीयरेंस या आप अच्छे से अपनी लेबोरेटरीज में डन करते हैं। सेकंड, लीवर फंक्शन टेस्ट एंड सिंथेटिक फंक्शंस, ठीक है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इसको अपनी लेबोरेटरीज में डन करते हैं और आपने अच्छी खासी थ्योरी में भी पढ़ी होगी। सेकंड, इसके अंदर आप देखेंगे क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एमाइलेज एंड लाइपेज। एमाइलेज टेस्ट को भी आप परफॉर्म करते हैं एंड लाइपेज के बारे में आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज इन्हें अच्छे से पढ़ करके जाएं। सेकंड देखिएगा नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन अगर आपने फर्स्ट ईयर का क्लिनिकल पैथोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है यूरिन, उसको अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप ये कर सकते हैं, या फिर अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं ये वाला यूरिन वाला और कंपोजिशन ऑफ CSF, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट है क्लिनिकल पैथोलॉजी के नाम से, उसके अंदर आप CSF का फर्स्ट वीडियो और आप यूरिन का फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो आपको इन दोनों का आंसर आराम से मिल जाएगा। और मैं इन दोनों के ही लिंक आपको आई बटन में देने की भी कोशिश करूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, डिस्कस वेरीफाइली द लैब डायग्नोसिस ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये जो ग्लूकोज से रिलेटेड ये जो क्वेश्चंस हैं डायबिटीज मेलाइटस वगैरह वाले, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। 20 नंबर में इसे आपसे पूछा जा सकता है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। चलिए दोस्तों देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, ये 5 या 10 नंबर में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादातर जो शॉर्ट नोट्स आते हैं वो केवल और केवल 5 नंबर से पूछे जाते हैं। देखिएगा एब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस किसे कहते हैं, पूछ लिया जा सकता है। सेकेंड, ट्रांसमिनेशन क्या होता है, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, एंड प्रिंसिपल ऑफ द फ्लेम फोटोमेट्री ये क्या होता है आपसे पूछ लिया जा सकता है। एक्वायर्ड इंटरमिटेंट प्रोफेरिया ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, इसको ढंग से पढ़ के जाएं। नाइट्रोजन बैलेंस क्या होता है इसको पूछा जा सकता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस वेरीफाइली द रीनल फंक्शन टेस्ट। 20 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीनल फंक्शन टेस्ट के बारे में पूछेगा, जिसको आपसे डिस्कस करवाएगा, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से परफॉर्म करके जाएं। और दोस्तों आपसे मेरी एक विनती है, एक गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि आपके और भी साथियों को इनके बारे में पता चल सके और वो लोग भी अपने पेपर में कुछ हेल्प मिल जाएगी। फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, राइट शॉर्ट नोट ऑन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अंदर फर्स्ट है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में अगर राइट शॉर्ट नोट ऑन आए तो थोड़ा सा लिखना है। लिपिड प्रोफाइल के अंदर अपन कौन कौन से टेस्टेज परफॉर्म करते हैं वो लिखना है, जैसे कि TG हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिखना है और लिपिड प्रोफाइल के बारे में आपको बता देना है, ठीक है। सेकेंड है इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, आपको इसके बारे में लिखना है। प्रोटीन यूरिया ये वर्ड जो आप है ने आपने दोस्तों पढ़ा होगा, यूरिन एनालिसिस के अंदर अपन जब प्रोटीन टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो आप इस वर्ड के बारे में पढ़ते हैं कि प्रोटीन यूरिया होता क्या है, ठीक है। एनेरोबिक ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है और फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं और GTT ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, GTT आपके लिए ये एक और क्वेश्चन है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन होगा, फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट लें। चलिए
देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 ये लास्ट अपने ये क्वेश्चंस हैं। इनके बाद में दोस्तों मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात कहने जाऊंगा, प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 क्या 13 क्या कहता है, डिस्कस अबाउट ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रैब साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल के बारे में बात कर रहा है। और 20 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, केवल और केवल दोस्तों आपको क्रैब साइकिल को भी पूछा जा सकता है 10 नंबर में या फिर 20 नंबर के अंदर। तो अच्छे से प्रिपेयर करें क्वेश्चंस को ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 14, राइट शॉर्ट नोट ऑन डिग्रेडेशन ऑफ हीमे। हीमे अभी थोड़ी देर पहले भी ये क्वेश्चन में आया था। एंड क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है ये पूछेगा। स्ट्रक्चर ऑफ लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। एंड कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट, कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट के अंदर कौन कौन से टेस्ट होते हैं, प्रोफाइल जहां आ जाता है दोस्तों वहां कई सारे टेस्ट उस टेस्ट के अंदर परफॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट होता है इसके अंदर क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है, एक बार पूछा भी था इस क्वेश्चन को, मीन मोड मीडियन एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, ये क्या होते हैं इनके बारे में आपको बताना होगा। फटाफट से दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें दोस्तों। चलिए दोस्तों ये अपन ने बात की थी बायोकेमिस्ट्री के वो 14 क्वेश्चन जो अपन सेलेक्टेड मान सकते हैं, इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। दोस्तों इनको आप प्रिपेयर करके जाएं, अच्छे से इनके बारे में पढ़ करके जाएं ताकि अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से परफॉर्म कर सकें। और दोस्तों मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर नहीं किया है उन अपने साथियों तक जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हो उन्होंने, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी कहा था, ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा हेल्पफुल हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। दोस्तों मेटा माइक्रोबायोलॉजी के अंदर 90 नंबर का पेपर अपने इस वीडियो के अंदर से आया था, पैथोलॉजी के अंदर 100% जो पेपर है वो अपना वीडियो के अंदर से आया है। और आशा करेंगे दोस्तों कि इसके अंदर का जो बायोकेमिस्ट्री का जो पेपर है वो भी इसी वीडियो से आए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट सूचना, अब डीएमएलडी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये मेरा लास्ट वीडियो था, ट्यूटर वीडियो, ठीक है। इसके बाद में जो भी कोई इंफॉर्मेशन होगी वो भी आपको इसी यूट्यूब चैनल एसके पैरामेडिकल क्लासेस पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करो, ऑल के बटन पर क्लिक कर देना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इस चैनल को अपने सभी जूनियर और सीनियर, जितने भी जूनियर आपके स्टूडेंट्स हैं, जूनियर जितने भी आपके भाई हों साथी हों, उन तक इसे पहुंचाएं जो डीएमएलटी फर्स्ट ईयर 19 20 और 18 19 का जो छात्र है उस हर एक छात्र तक इस चैनल को पहुंचाने का कार्य करें। क्योंकि दोस्तों 1 तारीख से अपन न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल एसके पैरामेडिकल क्लासेस पर। सो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने उन्हीं उन सभी साथियों तक पहुंचा दें, उन सभी स्टूडेंट्स तक, उन सभी भाइयों तक पहुंचाएं जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं पैसों में क्लासेस लेना। दोस्तों ये आपका अपना यूट्यूब चैनल एसके पैरामेडिकल क्लासेस सदैव आपके साथ हर कदम से कदम मिला करके काम करने की कोशिश करेगा और करता रहेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल डीएमएलटी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स फॉर बायोकेमिस्ट्री एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।